जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारत द्वारा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंह राशि से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। सिंह राशि का भाग्य कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसी परिस्थितियों से गुजरेगा और जो बीत चुका है समय वह किन किन कठिनाइयों से बीता है, क्या क्या परेशानी आपको आई है, आने वाले समय में क्या क्या शुभ योग बनेंगे, यह संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, सूर्य जिस राशि में जाते हैं नवग्रह के राजा कहे जाते हैं और जिस राशि में सूर्य विद्वान होते हैं विराजमान होते हैं उस राशि पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। कहते हैं कि जिसका सूर्य उच्च हो, सूर्य शुभ हो, सरकारी जॉब, व्यापार, पिता के लिए सो, संतान की प्राप्ति, धन प्राप्ति, स्वस्थ शरीर यानी निरोगी शरीर, हर प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव जिस राशि के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं वह राशि लकी राशि हो जाती है। ऐसा ही कुछ योग अब सिंह राशि के साथ होगा। अभी तक सिंह राशियों को कई प्रकार की परेशानियां थी। सिंह राशि वालों को चिड़चिड़ापन होते होते कार्यों में रुकावट, यानी ऐसे ऐसे कार्य जो बिल्कुल पूर्ण होने वाले हैं और वो एकदम अचानक रुक जाते थे, जिनकी वजह से आपको टेंशन और क्रोध भी आता था। पिता से भी आपकी अनबन चल रही थी, धन की आपको प्रॉब्लम थी, तो ये सारी परेशानियां अब दूर होंगी। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि 14 जुलाई तक मिथुन राशि में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं। और दोस्तों, जब सूर्य और राहु एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण लगता है, यानी ग्रहण लगा देता है राहु सूर्य पर, तो बड़ी परिस्थिति है। अभी 14 जुलाई तक आपको बड़ा संभल के चलना है। 29-30 जून से आपके ऊपर गुरु की भी नवी शुभ दृष्टि प्रदान होगी। इधर मंगल भी आपको सहयोग दे रहे हैं। भूमि जायदाद आदि मकान आदि का पूरा सहयोग होगा, मकान आपका अपना बनेगा और भूमि जायदाद का अगर कोई केस चल रहा था या कोई लफड़ा था तो उसमें भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। शत्रु पक्ष आपसे झुकेगा, आपका लोहा मानेगा, कई कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके प्रत्येक कार्य में राहु अर्चन डाल सकता है तो आप गौ माता की सेवा करें, प्रतिदिन गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाएं और आप जो अन्न खाते हैं उसमें जैसे खाना खाने बैठते हैं उसमें थोड़ा सा पक्षियों के जैसे कोए हुए या दूसरे पक्षी हुए उनके लिए थोड़ा सा जरूर निकालें और अपने आसे टुकड़े कर करके उनके लिए डालें। पक्षियों को सदना जाति डालते रहें, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी भी है और शुभ भी रहेगा। बृहस्पति देव की कृपा से वैसे पंचम भाव में आपके में बृहस्पति देव विराजमान और बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी तो आपको बहुत सारा लाभ देंगे। बृहस्पति देव आपको कामयाब बनाएंगे, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी तो आपको उच्च पदवी भी प्राप्त होगी। धन के रास्ते खुलेंगे। व्यापारिक क्षेत्र में अगर आप कहीं पैसा लगाने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी पूंजी से आप इन्वेस्ट करें, धीरे धीरे आगे पूंजी बढ़ा सकते हैं क्योंकि 16 अगस्त के बाद में बहुत बढ़िया शुभ योग आने वाला है, जो सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और साथ में बुध भी रहेंगे जिसे सूर्य बुध आदित्य योग कहते हैं और ये योग जिसके ऊपर होता है बहुत शुभ माना जाता है। ये योग स्वयं सिंह राशि में घटित होगा तो उस समय आपको भरपूर लाभ मिलेगा, धन की आमदनी होगी, अच्छी आमदनी होगी और उस समय आप पैसा भी इन्वेस्ट अच्छा कर सकते हैं। तो आपको अभी फिलहाल में बहुत संभल के चलना है, बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा और आने वाले समय में आपको समय पर जानकारी देता रहूंगा। श्रावण मास में भगवान शिव जी की स्पेशल पूजा करें, अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप करते रहें जिससे आपके कष्टों का निवारण हो और सभी से प्रेम भाव से बोलें। बोलते समय आप एक बार सोच लें, जो भी आप भाषा बोल रहे हैं, जो भी आप दूसरे के लिए शब्द निकाल रहे हैं वो कठिन तो नहीं है जिससे सामने वाले को बुरा लगे, आपकी मुसीबत पड़े, ऐसे कई योग आपको आएंगे। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है।
संतान और पुत्र की आपको प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जय श्री कृष्ण।